everyone, welcome back to our channel Realty 360 Degree. This is Jolly Yadav, your property advisor. And guys, आज की इस property video में मैं आप सभी को लेकर आई हूँ sector 16B Noida extension में Panchsheel Greens 2 पर, जो कि एक township है. And आपको इस project में under construction and ready to move in दोनों categories में apartments and villas मिल जाते हैं. SBI से funded project है, registry का कोई भी इशू नहीं है. सो इस वीडियो में आज हम Panchsheel Greens 2 कवर करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी बता देती हूँ. सो सेक्टर 16 बी नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन है. 60 मीटर वाइड रोड पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है. एंड यहाँ से आप गौर सिटी सेंटर 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर पहुंच जाएंगे. परी चौक की डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है. NH24 की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है. NH24 यहाँ से आप 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में कनेक्ट हो जाएंगे. एंड उसके साथ साथ नोएडा यहां से आपका अप्रॉक्स 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. एंड NH24 के थ्रू आप दिल्ली से भी यहां से कनेक्ट हो जाएंगे. इट इज़ अ वेल डेवलप्ड एरिया एंड यहां पर मल्टीपल हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट जैसे कि निराला ग्रुप, RG ग्रुप, ATS एक्सेट्रा. सो वेल डेवलप्ड एरिया है, नज़दीक में आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है. सो दैट वॉज द लिटिल ओवरव्यू ऑफ द लोकेशन. अब मैं आपको लेकर चलती हूँ प्रोजेक्ट के अंदर और हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे. कम ऑन विद मी गाइस, वी आर इनसाइड द प्रोजेक्ट Panchsheel Greens 2. ये एक टाउनशिप है, 26 एकर्स की टाउनशिप है, जिसमें 28 आपको हाई राइज टावर्स यहाँ पर मिल जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में डेवलप किया गया है, जिसमें से 4 फेजेस बिल्डर सक्सेसफुली रेडी कर चुके हैं एंड डिलीवर भी कर चुके हैं. इनके 4 फेजेस की OC आ चुकी है एंड आप देख सकते हैं लोग भी इनमें मूव इन कर चुके हैं. ज़्यादातर यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं एंड बहुत ही जल्द बिल्डर अपना 5th फेज भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फिलहाल प्री लॉन्च स्टेज में है. एंड उसमें भी आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको 2 साइजेस मिल जाते हैं, 1525 स्क्वायर फीट एंड सेकेंड आपका साइज अराउंड 1100 स्क्वायर फीट का रहेगा. इसमें आपकी 2 BHK एंड 3 BHK यूनिट्स हैं. पूरे प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं. अगर आप रेडी टू मूव इन कैटेगरी में जाते हैं तो 1000 से 2500 स्क्वायर फीट के साइज रेंज में आपको यहाँ पर यूनिट्स मिल जाती हैं. प्रोजेक्ट में हाई राइज है, उसके साथ साथ लो राइज भी रहेगा. जी हाँ, यहाँ पर विलाज भी हैं जिसमें सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स हैं, तो आप लो राइज में भी जा सकते हैं एंड आप हाई राइज में भी जा सकते हैं. अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा यूनिट्स की, तो अगर रेडी टू मूव इन की बात करते हैं तो रेडी टू मूव इन में हमारे पास सबसे ज़्यादा यूनिट्स 2 BHK अपार्टमेंट्स की हैं, जिसका मैं एक आपको अपार्टमेंट भी थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ. एंड अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास प्री लॉन्च ऑफर्स हैं आपके लिए. प्री लॉन्च ऑफर्स में आपको एंड में डिस्कस करूँगी, प्री लॉन्च प्राइसेस एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं. टाउनशिप है तो टाउनशिप में आपको एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल मिल रहा है जो कि फ्रंट में है. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूल डिस्पेंसरी जैसी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं. प्रोजेक्ट में 2 क्लब एरियाज़ आपको मिल रहे हैं 23,000 स्क्वायर फीट के साइज रेंज में. दोनों 23,000 स्क्वायर फीट के साइज के रहेंगे, जिसके अंदर आपको सारी अमेनिटीज मिल रही हैं, जैसे कि इंडोर गेम्स, बैंकेट हॉल, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोजेक्ट में आपको 2.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन पार्क मिल जाता है, जिसमें मैं फिलहाल मौजूद हूँ. एंड दैट इज नॉट ऑल, इसके अलावा आपको मल्टीपल यू नो स्मॉल पार्क्स भी मिल जाते हैं, किड्स प्ले एरियाज भी मिल जाते हैं. तो हर एक टावर के सामने आपको एक अच्छा खासा ग्रीन पैच, ग्रीन एरिया मिल जाता है आपके बच्चों के लिए. तो यहाँ पर ओपन स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर टावर्स आपके मिक्स कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क के साथ बने हुए हैं. कुछ टावर्स आपके एस ब्रिक के साथ हैं एंड कुछ टावर यहाँ पर आपको MyOne कंस्ट्रक्शन के साथ मिल जाते हैं. सबसे बड़ी USP अगर मैं प्रोजेक्ट की बताऊं वो ये है कि ये आपका SBI स्वामी फंडिंग प्रोजेक्ट है एंड ब्लॉक A, B, C एंड E की रजिस्ट्री हो चुकी है. जी हाँ, नोएडा एक्सटेंशन में रजिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा इशू है, बट इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री का कोई भी इशू नहीं है. लोगों ने अपनी रजिस्ट्रीज करा दी हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टीज की,
So that is a very big plus point of this project. Guys, that was about the project. अब मैं आपको यहाँ का एक sample apartment दिखाने वाली हूँ जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा units बची हुई हैं। All the towers will have separate entry lobbies. सभी में आपको double height entrance lobby areas मिल जाते हैं। This is very luxury and आपको waiting area मिल जाएगा। जिसमें आपके guests wait कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका reception area रहेगा। जिसमें 24/7 आपको security एंड गाइज फिलहाल मैं लॉबी एरिया में प्रेजेंट हूँ. लॉबी में देखूँ तो काफी अच्छी लॉबी यहाँ पर दिख रही है. अपर फ्लोर 6 यूनिट्स रहेंगी जिसमें आपको 3 लिफ्ट का कॉन्सेप्ट मिल रहा है. साथ ही साथ आपकी स्टेयरकेस रहेंगी. एंड फिलहाल मैं आपको एक एक्चुअल या फिर सैम्पल अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ. इट इज अ 2 BHK सैम्पल अपार्टमेंट जिसका साइज है 1060 square feet एंड द एंट्रेंस इज हियर. So guys, that was the main entrance and जैसे ही आप enter करेंगे तो आप आ जाएंगे living and dining space में. This is a very decent size apartment and living space में आपको एक private balcony मिल जाती है जिससे आपका living space काफी well lit and well ventilated रहेगा. And here is the kitchen. ये आपको raw form में मिलेगी but फिलहाल इसको modular बनाया हुआ है. But the final kitchen will be in the raw condition. एंड किचन के साथ साथ आपको यहाँ पर यूटिलिटी एरिया का भी एक्सेस मिल जाता है. किचन इज अगेन क्वाइट गुड इन साइज. देयर इज अ स्मॉल पैसेज जिसके थ्रू आप रूम्स एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज आवर बेडरूम नंबर 1. बेडरूम नंबर 1 इज क्वाइट डिसेंट इन साइज एंड इसमें आपका यहाँ पर वार्डरोब का स्पेस रहेगा एंड एक आपको अटैच्ड बालकनी भी इसमें मिल जाती है. एंड इसी बेडरूम के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिल जाती है एक कॉमन वॉशरूम जिसे कि आपके गेस्ट यूज कर सकते हैं. फर्दर दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम दैट इज योर मास्टर बेडरूम एंड ये काफी अच्छे साइज में है. 15x10 का इसका साइज रहेगा एंड इसमें आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिल जाती है जिसमें प्रॉपर आपको टाइलिंग मिल जाता है. सारी फिटिंग्स आपकी कंप्लीट रहेंगी एंड दिस इज द स्पेस फॉर योर वार्डरोब. फुल वॉल लेंथ आप यहाँ पर अपनी फिट कर सकते हैं एंड दिस बेडरूम हैज अ बालकनी एरिया अटैच्ड विद इट. ये आपकी कॉमन बालकनी है जो कि दोनों रूम्स को कनेक्ट करेगी. सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट पंचशील ग्रीन्स 2 लोकेटेड इन सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन. आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स. गाइस इस प्रोजेक्ट में आपको रेडी टू मूव इन एंड अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों कैटेगरीज में प्रॉपर्टी मिल जाती है. ये एक टाउनशिप है तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं. हाई राइज एंड लो राइज सभी एक ही जगह पे हैं. इनफैक्ट मैं प्राइसिंग की बात करती हूँ तो आसपास के जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनसे इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 8,500 का रेट यहाँ पर मिल जाता है. वहीं अगर आप प्री लॉन्च स्टेज में प्रॉपर्टी यहाँ पर बुक करते हैं तो फिलहाल आप 9,500 पर स्क्वायर फीट के रेट से प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा इसका 5th फेज लॉन्च होगा इसके रेट अराउंड 11,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएंगे. तो प्री लॉन्च में आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपना सेव कर सकते हैं. प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है. एक मूर्ति की प्रॉपर्टी है. 60 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड है. वेल डेवलप्ड एरिया है एंड आज के टाइम पे यहाँ पर नई यूनिट एक फ्रेश यूनिट बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिल रही है. रीसेल में तो काफ़ी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं पर फ्रेश यूनिट्स की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड वो बहुत जल्दी सेल आउट भी हो रही हैं. इनफैक्ट पंचशील में भी मैं बात करती हूँ तो 80% ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है ऑक्यूपाइड है एंड 20% में से भी बहुत ही कम यूनिट्स यहाँ पर बची हुई हैं सेल आउट होने के लिए. सबसे ज़्यादा हमारे पास 1060 स्क्वायर फीट के साइज में यूनिट्स बची हुई हैं एंड ऑफ कोर्स आप प्री लॉन्च में भी यहां पर यूनिट बुक कर सकते हैं. सो अगर आप यू नो पंचशील में या फिर सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन के अराउंड कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आपको पंचशील ग्रीन्स 2 को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए. ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. सब कुछ यहाँ पर है. अमेनिटीज काफ़ी अच्छी ये ऑफर करते हैं. गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट. अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं देन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.